नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या जी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में 14 जवान घायल हुए हैं और घायल जवानों को रायपुर भेजने की तैयारी की गई है। वहीं आपको बता दें कि टेकल गुडेम कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया था। हमले के बाद नक्सलियों और जवानों में मुठभेड़ हुई, वहीं जवाबी फायरिंग में भाग खड़े हुए नक्सली। आपको बता दें कि साल 2021 में भी टेकल गुडेम में जंगल में हुई थी मुठभेड़ और 2021 में 23 जवान शहीद हुए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां पर सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 14 जवान घायल हैं। आपको बता दें कि घायल जवानों को रायपुर भेजने की तैयारी की गई है। वहीं टेकल गुडेम कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया था। आपको बता दें कि आज ही टेकल गुडेम में सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हमले के बाद नक्सलियों और जवानों में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रसून शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रसून, टेकल गुडेम हमले, नक्सलियों के हमले में एक नई अपडेट सामने आई है, जहां पर 3 जवान शहीद हो गए हैं। जी, मैं आपको बता दूं, 3 जवान शहीद हुए हैं, 14 जवान घायल हैं। और जो जवान घायल हुए हैं उन्हें चॉपर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया गया है। आपको बता दें ये धूल मिट्टी प्रभावित क्षेत्र है, बातें निकल कर सामने नहीं आ रही थी। कैंप स्थापना के लिए ये जूनागुड़ा अलीगुड़ा क्षेत्र में सर्चिंग कर रही थी पार्टी। गोबरा एसटीएफ और डीआरजी के बल जो है वो सर्चिंग कर रहे थे और अचानक इनके ऊपर माओवादी द्वारा फायरिंग की जाती है। सुरक्षा बल उस फायरिंग से बचने के लिए जवाबी कार्रवाई में देते हैं। प्रसून, आज ही सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया था, उसके बाद इतनी सुरक्षा के बावजूद भी आज ये हमला हुआ है। मैं आपको बता दूं, बीती रात कैंप की स्थापना के लिए पार्टी निकलती है और स्थापना जब करने के लिए जाती है उसी वक्त माओवादियों द्वारा उनके ऊपर अचानक फायरिंग की जाती है। जी प्रसून, सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों की मुठभेड़ अभी भी जारी है, तो इस मुठभेड़ में किसी नक्सली के घायल होने की सूचना या मृत होने की सूचना मिली है? नहीं, अभी फिलहाल तो ये बातें निकल के नहीं आई कि कोई माओवादी घायल हुए हैं या उनकी मौत हुई है, मगर आपको बता दें फिलहाल तो जो मुठभेड़ है वो बंद हो चुकी है और जो जवान हमारे घायल हैं उनको चौपर के माध्यम से रायपुर लिफ्ट किया गया। जी प्रसून, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां पर सुरक्षा बलों और जवानों नक्सलियों की मुठभेड़ अब समाप्त हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां पर टेकल गुडेम कैंप पर सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में अब नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं इस मुठभेड़ में 14 जवान घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि घायल जवानों को रायपुर भेजने की तैयारी की गई है और टेकल गुडेम कैंप पर नक्सलियों ने यह हमला किया था और हमले के बाद नक्सलियों और जवानों की मुठभेड़ हुई थी, वहीं जवाबी फायरिंग में नक्सली भाग खड़े हुए। और आपको बता दें कि साल 2021 में भी टेकल गुडेम के जंगल में मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में 23 जवान शहीद हो गए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अर्जुन पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। अर्जुन, सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है और एक नई अपडेट सामने आई, जहां पर 3 जवान शहीद हो गए हैं। जी बता दो सौम्या, जिस तरह से जो ये नई अपडेट आई है कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का भी विषय है और हम लोगों ने लगातार इसके ऊपर जो है नजरें बनाई हुई थी और ये जो अपडेट निकल करके आ रही है, जैसा कि देखे हम लोगों ने पहले 11 जवान को जो है घायल की सूचना हम लोगों को मिली थी, अभी 14 जवान जो है, 14 जवानों के जो है घायल होने की सूचना मिल रही है और 3 जवान के शहीद होने की जो है सूचना मिल रही है। जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल दो वर्ष पहले की जो बातें घटनाएं थी जिसमें 23 जवान शहीद हुए थे, तो अब ये जो टेकल गुड़ा है मुझे लगता है इसको इतना हम इजी और इतना आसान नहीं देखेंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में देखें किस तरह से जवानों को जो है काफी जोखिम उठाना पड़ा और
अभी भी जो है 14 जवानों का घायल होना मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जी तीन तीन जवान अगर शहीद हुए हैं तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए आज का दिन ये बेहद ही अफसोस वाला है कि हमारे तीन जवान फिर उसी स्थान पे जो है शहीद हो गए। जी जी अर्जुन, अधिकारियों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? अर्जुन, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी 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 बताएं। जी, इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखें, जिस प्रकार से अपडेट और सूचना अधिकारी वर्ग बिल्कुल देते हैं, लेकिन कुछ जानकारियां सूत्रों के हवाले से हमको पता चल जाती है और मीडिया कभी भी उसको बेस बना करके आगे लोगों को जानकारियां देती है, ये एक देखने वाली चीज है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि टेकलगुड़ा को अगर लंबे समय जो टेकलगुड़ा का इतिहास रहा है उस समय में अगर देखें तो मुझे लगता है कि अन्य किसी क्षेत्र में इतनी बड़ी, और देखें पीछे के 2 वर्ष में जिस प्रकार से जो यही समय था 3-4 बजे के जो है वो समय हो रहे थे जिन समयों पर जो है ऐसी घटनाएं घटना जो थी वो घटनाएं जो है दिख करके आई थी, और उस समय भी शुरू शुरू में ये जानकारियां मिली थी कि 4 से 5 जवान ही शहीद हुए थे, लेकिन बाद में पता चला कि एक बड़ी घटना, हम लोग ग्राउंड जीरो पे गए भी थे और जो हम लोगों ने तस्वीर देखी थी ग्राउंड जीरो पे वो तस्वीर बहुत ही भयावह थी। आपको बता दूं जवान किस तरह से वहां पे जो है शहीद जवान हमारे पड़े हुए थे। बहरहाल सरकार विकास के लिए ही जो है वहां पे कैंप खोल रही है और उन क्षेत्रों को जो जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर आज वहां पे संसाधन होते तो मुझे लगता है इतनी बड़ी जो घटनाएं जो सामने आई कि 14 जवान घायल हो गए, 3 जवान शहीद हो गए, और उससे पहले भी जब 23 जवान जो है शहीद हुए थे, तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो नहीं हो पाती। कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, उन क्षेत्रों में अभी पूरी तरह से कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है और उसी को पहुंचाने का प्रयास जो है नवीन कैंप को खोलने के माध्यम से किया जा रहा है। जी जी अर्जुन, जो सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों की मुठभेड़ हो रही थी, ऐसी खबर आई है कि वो मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है, तो इस मुठभेड़ में नक्सलियों के घायल होने की या फिर उनके पकड़े जाने की कोई खबर सामने आई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पिछली बार भी जब इस तरह से जो है मुठभेड़ हुई थी और ये जो अभी मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ अभी बताया जा रहा है कि मुठभेड़ खत्म हो जा रही है, लेकिन रात हो गया है, सर्चिंग में वहां दिक्कत है, पहाड़ी का क्षेत्र है, जंगल है, पहुंच में ही क्षेत्र है, तो पूरी जो सर्चिंग है वो सर्चिंग जो है नहीं हो पा रही है और सुरक्षा बल बेशक उस सर्चिंग में लगे हुए हैं। क्या होता है जो टीम वहां पे गई है वो टीम वहां पे रुकी है, और भी टीमें वहां पर भेजी गई है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कुछ संदिग्धों को उसमें पकड़ा गया है, बहरहाल कल का जो दिन होगा उस दिन में और सारी जो है खबरें वहां से और रिपोर्ट भी कल तक जो है आएगी। बहरहाल साधना न्यूज की जो टीम है वो भी कल ग्राउंड जीरो पे पहुंचने का प्रयास करेगी, तो ये कुछ और वहां पे देखने वाला होगा। जी जी अर्जुन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।